करनाल में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन रामबाग पैलेस के नजदीक केआर सिनेमा में किया गया, जिसमें सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सचिव उमेश कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश खटक, प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह व युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सांगवान ने संबोधित किया। कार्यक्रम में जननायक जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई और संगठन को और मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। कमेटी के सदस्य रणधीर सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पहले उनकी पार्टी जल्दबाजी में संगठन को अच्छी तरह से गठित नहीं कर पाई थी, परंतु अब 10 विधानसभा सीट जीतने के बाद रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया की जाती है उसको पूरी करने में कोई समस्या नहीं है, इसलिए जननायक जनता पार्टी द्वारा संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जा रहा है और चाबी के निशान मिलने पर पार्टी रजिस्टर हो गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आदेशानुसार पार्टी को संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसी के सदस्य पूरे प्रदेश में जाकर मीटिंग ले रहे हैं और पार्टी को नए सदस्यों के साथ जोड़ने का आह्वान कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला प्रधान प्रेम शाहपुर, प्रभारी मोहसिन चौधरी, युवा जिला प्रधान अमनदीप सिंह चावला, प्रकाश सिंह जयसिंहपुरा, यशकरण राणा सहित बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। हमारी सदस्यता अभियान से जुड़ी हुई है जो बातें जो हमसे आपसे थोड़ी शेयर करनी है और ये हमारे पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए ये मीटिंग हमने रखी है और ये लगभग मैं आपको दुष्यंत जी के दिशा निर्देश के ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है। उस मॉनिटरिंग कमेटी को जो है 7 मेंबर हैं उसके अंदर, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र लितानी जी जो हमारे सेंट्रल सिटी में प्रदेश के, वो उसके अलावा देवेंद्र बबली जी जो टुहाना से MLA हैं और एक अपना उमेश कश्यप जी ये हमारे जो सचिव हैं राष्ट्रीय स्तर के, रमेश खटक जी XMLA हैं और एक मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, एक हमारे रविंदर सांगवान जी हैं, एक सुमित राणा जी हैं। तो इतने आदमियों की ये कमेटी दुष्यंत जी ने बनाई और ये कमेटी बनाने का जो निर्णय है ये हमारी प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग जो सरसा में हुई थी उसके अंदर लिया गया था कि पहले जब हमारी पार्टी का निर्माण हुआ, गठन हुआ, उस टाइम जल्दबाजी में हमारा संगठन बना, क्योंकि जैसे ही पार्टी बनी तुरंत जींद का भाई चुनाव आ गया, उसके अंदर जल्दबाजी में हमने किसी को पद दे दिया, किसी को कुछ दे दिया और हमारी पार्टी का गठन ठीक से नहीं हो पाया। तो उसके बाद बाई इलेक्शन के बाद फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, तो जल्दबाजी में सारा काम हुआ, लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव आ गए। तो सबसे बड़ी बात यह कि हमें जो पहले हमारी जो पार्टी रजिस्टर हुई उसके अंदर हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन में एज ए राजनीतिक दल के रूप में मान्यता हमें दी, सिर्फ राजनीतिक दल के रूप में, एज ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी कोई भी अगर अप्लाई करता है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कम से कम भी मेरे ख्याल 1000 से ऊपर है, तो वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो बढ़ती है इलेक्शन कमीशन जब मान्यता देता है तो उसके अंदर एक टेम्परेरी सिंबल देता है। वो सिंबल हमें भी मिला, चप्पल का निशान आपके याद होगी, तो वो टेम्परेरी जब मिला उसके बाद वोट परसेंटेज का एक क्राइटेरिया होता है इलेक्शन कमीशन का कि मिनिमम या तो 2 MLA आपके जीत के आने चाहिए या आपको टोटल जो वोट पोल हुआ पूरे स्टेट में, मान लो 1 करोड़ वोट पोल हुआ तो उसका 6% 6 लाख वोट आपको मिलना जरूरी है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कितना जितना भी हुआ कम ज़्यादा, या एक लोकसभा की सीट जीत के आओ तो वो मान्यता आपको रीजनल पार्टी की मान्यता देते हैं। तो हमारा जो चप्पल का निशान था तो हम उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठे और ना हमें पूरी रूप से मान्यता मिली। उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आया, जो संगठन हमने बनाया उस संगठन के बेस पे आप लोगों की मदद से, आप जैसे लोगों के वर्करों की वजह से, पदाधिकारियों की वजह से हम 10 MLA जिताने में कामयाब रहे और 16% वोट टोटल जो वोट कॉल हुआ उसका हमने लिया। उसके बेस पे जब हमने दोबारा इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दी कि हमारी पार्टी एज पर नॉर्म जो है कंडीशन हम पूरी करते हैं, जो क्राइटेरिया उसमें हमारी पार्टी को रजिस्टर किया है, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हमारी पार्टी को एज ए रीजनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी रजिस्टर कराया। आज की जो मीटिंग बुलाई गई है तो मुख्य उद्देश्य सदस्य अभियान
नए सदस्य बनाना हमारा मुख्य रूप से कार्य रहेगा। और इस मीटिंग में हमारे जो प्रभारी लगाए गए हैं, पूर्व में 3 बार रहे विधायक रमेश कटक जी, हमारे ऑफिस सेक्रेटरी रणधीर सिंह जी और युवा के प्रधान रविंद्र सागवान जी, तो ये अभी मीटिंग में पहुंचने वाले हैं और ये हमारी मीटिंग लेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए भी मुख्य रूप से विशेष जोर रहेगा। आज किस तरह संगठन को मजबूत, जैसे कि प्रधान जी ने बताया, खास तौर से मीटिंग बुलाने का मकसद जो हमारा जननायक जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है उसी के मद्देनजर आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है और हमारे बाकायदा हर जिले के प्रभारी भी लगाए गए हैं और उसी को ध्यान में रख के हमारी खास तौर से ये बात रहेगी कि गांव दर गांव जाकर के जो संघर्षशील साथी हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं को पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा जगह दिलाई जा सके और उनको मेंबर बनाया जा सके। आज मुख्य तौर पर हमारी जो कमेटी बनाई गई है सदस्य अभियान को लेकर, वो हमारे बीच में आएंगे और मीटिंग में जो भी आगे के दिशा निर्देश होंगे उससे रूबरू करवाएंगे। मुख्य उद्देश्य है बूथ स्तर पर जो हमारा सदस्यता अभियान है, हर वर्कर को जोड़कर एक आम जनता तक भी इसको पहुंचाया जाए और आम जनता को जोड़कर अपने साथ लिया जाए, पार्टी को जड़ से मजबूत करने का कार्य किया जाए। जननायक जनता पार्टी के जो सदस्य बन रहे हैं उसको लेकर के आज मीटिंग है। हमारी पार्टी बनी को 1 साल हो गया है और जैसा कि आपको जानते हैं कि बीच में 2 चुनाव आ गए थे, उसकी वजह से थोड़ा हमारा जो सदस्य अभियान था वो पूरा सिरे नहीं लग पाया और अब जो हमने बड़े सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, रमेश कटक और प्रोफेसर रणधीर सिंह जी जो कि हमारे कार्यालय सचिव हैं चंडीगढ़, ये सारे साथी हमारे बीच में आकर के और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा सदस्य अभियान के लिए प्रेरित भी करेंगे और हम सारे साथी जो करनाल की टीम है वो गाँवों में जाकर के बढ़िया साथियों के साथ जोड़ने का काम करेंगे। यही आज की मीटिंग का जो है एजेंडा है जी। आज की मीटिंग का जो एजेंडा है, हम एक टीम बना करके हर गांव गांव में और करनाल शहर के हर कोने में जाके सदस्यता अभियान को जारी रखेंगे और अपनी टीम को मजबूत बनाएंगे और अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।